नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है सूजी केले का हलवा। आमतौर पे हम सूजी का हलवा तो बनाते ही हैं, आज मैंने इसे केले डाल के बनाया है। केले डालने से इसका टेस्ट तो बढ़ता ही है और साथ में हेल्दी भी हो जाता है, क्योंकि केला हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, विटामिन और आयरन्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ये रेसिपी उन मदर्स के लिए भी अच्छी है जिनके बच्चे केले खाने में आनाकानी करते हैं। तो आप जब भी सूजी का हलवा बनाएं उसमें केले ऐड करें और बच्चों को हलवा बना के खिलाएं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और बड़े चाव से खाएंगे। तो देखते हैं इसमें लगने वाली सामग्री। सूजी केले का हलवा बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी सूजी ली हुई है और 2 केले लिए हुए हैं मैंने। और इसमें डालने के लिए मैंने घी लिया है, लगभग 2 टेबल स्पून घी है। देसी घी भी ले सकते हैं, आप वनस्पति घी भी ले सकते हैं। और लगभग 6 से 7 मैंने इलायची ली हुई है और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, काजू, बादाम, किशमिश और केले इसमें मैं डाल रही हूँ। तो केले मीठे तो होते ही हैं, इसलिए मैं चीनी लगभग 2 से 3 चम्मच डालूँगी, या आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं सूजी केले का हलवा बनाना। सूजी केले का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को भूनना होगा, जिसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, गैस ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें देसी घी डाल दूंगी, लगभग 2 चम्मच होगा। घी मेल्ट हो गया है, अब मैं इसमें सूजी डाल दूंगी और अब सूजी को हम भूनेंगे कम आंच पे। इसका हल्का सा गुलाबी कलर आते तक सूजी को हमें भूनना है। जितनी अच्छी सूजी भूनेगी हलवा उतना ही टेस्टी लगता है। इसी तरह हम भूनेंगे चलाते हुए लगातार। देखिए सूजी अच्छे से भून गई है, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। जैसे सूजी भून जाती है उसकी खुशबू फैल जाती है, अच्छा सा कलर आ गया। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी तो मैं इसमें 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ। घी में भूनने के बाद पानी ज़्यादा लगता है, हम 2 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें इस केला भी डाल रहे हैं इसलिए मैं पानी सिर्फ 2 ही कटोरी डाल रही हूँ। पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 2 से 3 मिनट इसे भाप दे दूँगी, स्टीम दे दूँगी ढक करके। तब तक के मैं केले को छील के मैश करती हूँ। केले को छील के उसे मैश कर लेती हूँ। केला जितना पका और मीठा होगा हलवा उतना ही टेस्टी लगेगा। मैंने 2 केले लिए, आप 3 भी ले सकते हैं, लेकिन 1 कटोरी में 2 केले काफ़ी हो जाते हैं। अब इसे मैश कर लूँगी। देखिए केले को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और मैंने सूजी को स्टीम दिया था पानी डाल के, तो 2 से 3 मिनट भी हो चुके हैं। मैं हटा देती हूँ इसका ढक्कन। देखिए सूजी ने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर आपने मोटी सूजी ली हुई है, 2 तरह की सूजी आती है, एक बारीक वाली एक मोटी वाली, तो आप जैसे मैंने 2 कटोरी पानी डाला है, अगर ये पानी एब्जॉर्ब करके सूख सूख जाता है, कड़क सा हो जाता है, तो आप थोड़ा पानी और भी डाल सकते हो, क्योंकि भूनने के बाद सूजी ज़्यादा पानी पीती है, एब्जॉर्ब करती है, इसलिए थोड़ा पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अब मैं इसमें ये मैश किया हुआ केला डाल दूँगी। और इसमें अब चीनी भी डाल दूंगी, चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसे। मैश किया हुआ केला और चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने इसे। अब मैं इसे स्टीम दूंगी, लगभग 6 से 7 मिनट इसे हमें ढक कर के पकाना है और बीच बीच में देखते रहना होगा। लगभग 5 से 6 मिनट हो चुका है, मैंने सूजी केले हलवे को स्टीम देने रखा था। ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक चुका है ये, बीच में भी मैंने चेक कर लिया था इसे। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डाल के एक बार अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इलायची पाउडर डाल देती हूँ और काजू डाल देती हूँ, थोड़े से गार्निश के लिए रख दूँगी। किशमिश डाल दूँगी,
बादाम डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि इलायची पाउडर सभी तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। हलवे में मैंने काजू, बादाम, किशमिश और इलायची पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है और सूजी केले का हलवा खाने के लिए तैयार है। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। गर्मा गर्म सूजी केले का हलवा तैयार है खाने के लिए, जिसे मैंने ड्राई फ्रूट से गार्निश किया है। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि सूजी केले का हलवा आपको कैसा लगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।